आप सब पे आरोप लगाते थे उनको, सबको आपने पार्टी में ले लिया है, तो आप पूरी तरीके से बौखला गए हो। वो पाक साफ जो 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 सारे चोर थे, सारे चोर जिनको चोर बोलते थे उनको पार्टी में ले लिया, छगन भुजबल को पार्टी में ले लिया, जो हेमंत बिश्व शर्मा है वहाँ के, उस पर अमित शाह चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि सबसे बड़ा चोर है उसको ही पार्टी में लेकर बैठे हैं। सवाल तो यही है, सवाल 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 तो यही है ना कि विपक्ष शायद एकजुट होता तो ऐसी परिस्थिति में से विपक्ष एकजुट ना हो, पर जनता का गठबंधन मोदी के खिलाफ हो गया है, मोदी के खिलाफ जनता का अपना गठबंधन हो गया, विपक्ष की एकता तो अपनी तरफ है। ये सर ये खाली अपनी छोड़े जा रहे हैं, लपेटते रहो और बस लपेट के चल दो, ये वाला हाल है, विपक्ष है ही नहीं सर। सवाल सिर्फ इतना है पाजी, अभी आपके पास आऊंगा मैं, सवाल सिर्फ इतना कि एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया गठबंधन, आपको लगता है कि शायद चुनावों से पहले ये साथ छोड़ छोड़ के चले जाना ये समझाता है कि 24 के चुनाव से पहले कहीं ऐसा ना हो कि दो चार ही बचे? ये तो पहले भी चुनाव में होता है, कोई डूबते जहाज पे चढ़ जाता है और कोई तैरने वाले पे चढ़ जाता है, ये पॉलिटिकल गेम, इंडिया की पॉलिटिकल लोकतंत्र जो है ना, ये तो इंसानों का सब परस्त राजनीति तो हमेशा से कही एक 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 वाक्य भी है ना कि मौका परस्त राजनीति नहीं, ये मौका परस्त नहीं कह सकते, हर एक इंसान को अपने अपने अधिकार के बारे में पता है और उसको अपने मत बारे में पता है। लोकतंत्र में मतदान किसको बोला जाता है कि मतदान के आपके आप पत्रकार हो के आपकी मत के किसको मत कर रहे हैं अपने, लेकिन मैं तो इंडियन 140 करोड़ जनता के हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, देखिए सरकार मोदी जी की आए, सरकार कांग्रेस की आए, लेकिन ओपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा भाई साहब मैं कुछ नहीं कहूँगा। विपक्ष इकट्ठा होगा एकजुट होगा तो शायद चुनाव भी उस हिसाब से होंगे। आज का इलेक्शन जो है ये कांग्रेस और विपक्ष के बीच में नहीं है, आज का इलेक्शन है कांग्रेस वर्सेस मीडिया, मीडिया इलेक्शन हो रहा है। आप सुबह से टेलीविजन उठा लीजिए, जितना प्रचार बीजेपी वाले करते हैं उतना मीडिया वादा करते हैं, तो आज का जो इलेक्शन हो रहा है मीडिया वर्सेस अपोजिशन हो रहा है, मीडिया वर्सेस ठीक है। अच्छा मेरे अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, अब सवाल का जवाब इतना है कि आपको लगता है कि एक करके लोग टूट के जा रहे हैं, नीतीश कुमार चले गए, है ना, बड़ी चीज होती डर, बहुत बड़ी चीज होती है, अगर मैं आपको डरा दूं तो आप भी डर जाएंगे। तो आपको लगता है ईडी सीबीआई का, ईडी सीबीआई का अंदर शक्ति सुप्रीम ने कहा कि आपका निशान भी ले ले, कहते क्या करें, अंदर शक्ति का हाथ है, हम कुछ नहीं करते। देखिए मैं संतुष्ट श्री की बातों से जी रहा हूँ। देखो जो आज के टाइम में सम्मान मोदी जी की सरकार में मिल रहा है, किसी को भी ले ले, किसी भी वर्ग को ले ले, किसी में जितने क्षेत्र में वर्क किया है, काम किया है, बिना किसी भेदभाव के जो आज सम्मान मिल रहा है मोदी जी। कह रहे हैं कि शायद भारत रत्न भी सियासत है, सियासत इस बात की है कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देकर समझाया पुराने कैडर को कि कहीं ना कहीं जुड़ जाइए साथ में, और हम देखिए आप सबसे वरिष्ठ नेता का सम्मान कर रहे हैं, क्या ये आपको लगता है 24 के चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी? बिल्कुल भी नहीं, क्या आप ये मुझे बता दीजिए, क्या हमारे चौधरी चरण सिंह जी को जो अपना जीवन खपा दिया किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं किसी सम्मान न मिलने की बात नहीं कर रहा, मैं जो लोग कह रहे हैं उसी बात को उठा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है किसान बहुत नाराज थे मोदी सरकार से, आंदोलन तक चलाता चीज़ें हुई, खैर अब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें कहा गया किसानों को एकजुट करने के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में चुनावों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और आरएलडी को अपनी ओर खींचने के लिए इस प्रकार की? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो वाद विवाद हमेशा चलते रहेंगे सरकार के प्रति, चाहे किसानों कोई भी सभी दल हो, हमेशा ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं है, आज लगते आए हैं, आज भी लगेंगे, आने वाले समय में भी लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मनमोहन सिंह बहुत काबिल बहुत अच्छे इंसान थे, क्या कारण था मोदी जी जब संसद के अंदर कह देते वो प्रधानमंत्री रेन कोट पहन के नहाता है, कहा वो प्रधानमंत्री जो गुंगा, चलिए बात को बटक अलग बात हो गई, क्योंकि क्योंकि हम जो आप बोले थे पॉलिटिक्स के बारे में, अगर जो नीतीश कुमार जी सॉरी जो आरएलडी जो जयंत चौधरी चले गए, अगर कांशीराम को दे दें, अगर कांशीराम को देते मायावती भी वहाँ चली जाएगी, और अगर वीर सावर दे दे तो उद्धव ठाकरे उद्धव गुट भी वहाँ चला जाएगा, तो वो राइट टाइम पे राइट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पर
चौधरी चरण सिंह को अगर वो भारत रत्न नहीं भी देते तो अभी वो भारत रत्न के मुकाबले हैं, पर आप भारत रत्न दे रहे हो आप उनके, तो उनके जो आइडियोलॉजी उनको भी लागू करो ना। आप एम स्वामीनाथन की आइडियोलॉजी को लागू करो। एम स्वामीनाथन C2+50 का आंकड़ा देता, वो कांग्रेस ने दबा के रखा फिर, और जबकि 2015 में कोर्ट में बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला कि इससे देश का बट्टा भेज जाएगा। तो आप भारत रत्न न दे के किसानी के मुकाबले किसान को दो ना एम स्वामीनाथन का। मेन मेरे को सर आपके चैनल के माध्यम से मैं मोदी जी को एक बात ये कुछ या रखना चाहता हूँ। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का राज था ना जी इस देश के अंदर, तब ये देश इतना अन्नदाता नहीं था। दो वक्त की रोटी के हमारे देश में लाले पड़े हुए थे जी। देश की आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद हाल चलाया, तो शुक्रवार का दिन हर भारतवासी को बोला था कि एक दिन शुक्रवार के दिन व्रत रखेगा भारतवासी और जितना अनाज बचेगा अपने खेतों में बीजेगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब आपने बोला कि किसान सड़कों पे आए, इसका कारण मुख्य कारण मैं बताता हूँ। स्वामीनाथन जी को जो अवार्ड मिला ना जी, तब उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो मोदी जी ने बोला था कि 2022 से मैं किसानों की इनकम दुगनी कर दूंगा। मैं जी जान से समर्थन किया इसका, इस बात का कि बहुत अच्छी बात थी जी। आज जो हमारे देश में अन्न भंडार भर दिया किसानों ने, हर एक किसान के पास जमीन घट रही है, परिवार बढ़ रहे हैं और खेती की आउटपुट जो है वो कम है, लागत ज़्यादा होने की वजह से किसान के पास कुछ नहीं बच रहा। ये जो सरकार से मैं मोदी से बेनती करता हूँ कि इलेक्शन से पहले पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कीजिए, और मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा पूरे भारतवर्ष के किसानों और नौजवानों से, आप किसानों के लिए बारे में भी सोचें और जवानों के बारे में सोचें, और सबसे ज्यादा सोचें जो आपने अग्निवीर फौजी भाइयों के लिए, इस पे भी जरूर गौर कीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी इसमें पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जो केंद्र के जो चुनाव होने हैं उसके 2 महीने पहले ही उनको भारत रत्न देना, और जयंत चौधरी की कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, पूर्वांचली वोटर जो है जाट वोटर टोटल बीजेपी को वोट देता है ये उसको भी पता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो सीटों की हैसियत नहीं है उनकी। दूसरी बात यह है कि इंडिया का दो से ज्यादा उनको मिल ही नहीं सकती यार, और समाजवादी पार्टी फिर भी 4 दे रही थी उनको, 4 सीटें दे रही थी अखिलेश यादव। दूसरी बात यह है कि सर 54 भी नुकसान नहीं होगा इंडिया गठबंधन को, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो इस देश का चुनाव परिणाम अलग ही होगा। उसके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, परिवारवाद का कोई बैगेज नहीं है, ईमानदार नेता है, कट्टर ईमानदार नेता है, दिल्ली वालों के लिए उसने बहुत कुछ करा है। तो आपको लगता है शायद यही वजह है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो शायद असर पड़े, लेकिन एकजुट हो कहाँ रहा है? मुद्दा तो ये ना कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से बातचीत करी, उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा देंगी। अभी ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि कांग्रेस जो उन्होंने बयान दिया वो इसलिए दिया क्योंकि ईडी सीबीआई उनके पीछे ना लगा दी जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत बच के चलना पड़ रहा है। अच्छा, हर आदमी अपने आप को बचाव करते हुए एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो, मुझे आधे से ज्यादा भाजपा के नेता जेल में डाल दूंगा मैं। पीएमएलए जो एक्ट होता है उसके हिसाब से पावर इतनी होती है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, 2 साल जेल में डाल सकते हैं किसी भी कैदी को। विपक्ष जनता है अपनी बात को रखती है और अपनी बात के जरिए सवाल को उठाती भी है, और शायद यही वजह है कि 2024 के चुनाव में जहां लोग ये समस्या नजर आ रहे हैं कि सियासत में सियासतदानों की बातों को अगर समझना है तो उनके दावों को भी समझना होगा, उनके दाव को भी समझना होगा, और ये भी समझना होगा कि आखिर राजनीति किस तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है और किस तरीके से कहीं भी चाहे बीजेपी हो या फिर विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ जमकर ये समझाने का प्रयास करता नजर आ रहा है कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो जनता के हित में है या फिर जो कुछ भी हुआ है वो जनता से कहीं ना कहीं वाजिब वजह के साथ जुड़ा हुआ नहीं, और शायद यही वजह है कि जनता जानती है अपने फैसले को तय करती है और उसी हिसाब से अपने मत का प्रयोग भी करती है। शायद 24 के चुनाव में ये तमाम सियासी समीकरण स्पष्ट भी हो जाएंगे। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।